क्या लोगों में भी फैल सकता है लंपी वायरस? क्या यह बीमारी इंसानों में भी हो सकती है? क्या गायों का दूध पीना बंद कर देना चाहिए? क्या गायों के दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए? क्या गायों के नजदीक नहीं जाना चाहिए? क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है? क्या यह बीमारी और भी जानवरों में फैल सकती है? दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल है तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। आखिर क्या बिगाड़ा है इन मासूम बेजुबानों ने? बच्चों को दूध पिलाने वाली केवल दो ही माँ होती हैं। पहली जो बच्चे को जन्म देती है और दूसरी वह जो आज बहुत बड़ी बीमारी का सामना कर रही है। दोस्तों, आपने कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही होगा जो कि चीन के द्वारा भारत में आया है। यह वायरस इंसानों के लिए बहुत बड़ी महामारी साबित हुई है, परंतु अब भारत वालों ने इस पर काबू पा लिया है। दोस्तों, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, भारत के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि वह बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि भारत के लोग हर तरह के मौसम में रह सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा वायरस सामने आया है जो गायों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यह वायरस गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान सबसे टॉप पर है। इस वायरस का नाम लंपी वायरस है, जिसे LSG भी कहा जाता है। इसमें गायों के शरीर पर काफी सारे फफोले हो जाते हैं, जिनमें से खून निकलता रहता है। इसकी अभी तक कोई भी दवाई बाजार में नहीं आई है। इतनी भयानक बीमारी देखकर लोगों के मन में काफी डर बैठ गया है। इसी डर को दूर करने के लिए आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि उनका इस वायरस को लेकर क्या कहना है। कुछ वायरस है जो सिर्फ पशुओं को प्रभावित करते हैं, कुछ वायरस है जो सिर्फ मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो मनुष्य और पशु दोनों को प्रभावित करते हैं। सौभाग्य से जो लंपी वायरस है वो सिर्फ पशुओं को प्रभावित करता है, मनुष्यों में इसका प्रसार और इसकी जो इफेक्ट है वो देखा नहीं गया है। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि दूध पीने से किसी भी तरह का लंपी वायरस होने का कोई खतरा नहीं है। नंबर एक, जिस तरह से आप दूध का जो लोग सेवन करते हैं वो नियमित तौर पे जैसे इसे पॉस्चराइज करके या उबाल करके पीते हैं, वो पीते रहें, इससे किसी भी तरह से लंपी वायरस का खतरा नहीं है।